कंग्रेचुलेशन ऑन राम सिंह चाली फर्स्ट टाइटल रोल आपने मार दिया सिक्सर <laughs> <laughs> नहीं सर सिक्सर वगैरह तो नहीं बस एक भूमिका थी जो मैंने कर ली और वो लोगों को पसंद आ रही है uh, तो उसका उसका संतोष है उसका उसकी खुशी है जी सो हाउ डिड द मूवी कम अबाउट थोड़ा uh,

पहली फिल्म की थी फिल्मिस्तान जिसके right. लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म के लिए उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था और वो बहुत ही बेहतरीन अनुभव था एक्सपीरियंस था हमारा उसके बाद उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर की उसके मतलब फिल्म खत्म होने के कुछ समय बाद और जब मैंने ये फिल्म की कहानी सुनी तो जाहिर है ये अद्भुत कहानी थी किसी भी अभिनेता की दृष्टि से देखा जाए तो उसके लिए तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम रोल होता है तो इसमें तो कोई कारण ही नहीं था कि मैं इसको क्यों नहीं करता और जब आप एक डायरेक्टर के साथ जिसके साथ आप एक फिल्म कर चुके हैं और एक बहुत अच्छा अनुभव रहा हो तो उस वजह से मैंने ये फिल्म स्वीकारी क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी थी और रोल बहुत अच्छा था और जहाँ तक समय लगने का सवाल है तो वो मार्केट की अपनी मजबूरियाँ हैं छोटी फिल्मों के साथ जो होती हैं तो उसमें थोड़ा समय लगा लेकिन मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए

आप ये पात्र करने के लिए आप मतलब आपको इसका थोड़ा सा तो उसके आसपास होना पड़ेगा चरित्र के आसपास तो आप जाहिर है उस वजन में नहीं कर सकते थे तो वो लेकिन वो एक, वो एक एक अलग एक्सरसाइज है पर वो असल में वजन कम करके भी अगर आप पात्र अच्छा नहीं करते तो फिर क्या मतलब होता तो यस ज्यादा चैलेंजिंग था ज्यादा डिफिकल्ट था चालीसिन का इंपरसेशन करना वो इम्पोर्टेंट था वो ज्यादा मुश्किल था बाकी रो वजन कम करना तो ये ये फिजिकल वो है जिसमें थोड़ी सी विल की जरूरत होती है जिद की जरूरत होती है और जब आपके पास ऐसा काम हो तो वो जिद थोड़ी आसान हो जाती है। Any genuine moment from the film that has stayed with you? Uh, it's a it's a whole experience of the film that uh, you uh, मतलब मेरे लिए तो uh, बहुत सारे ऐसे moments हैं। जो फिल्म के बनने से पहले भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो हमारे साथ हैं फिल्म के बनने के बाद भी हैं और फिल्म के दौरान एक 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 अगर आप वैसे पा, पूछेंगे तो एक सीन है जहां पे ये आ, आ, उस सीन को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है जब ये पेंट लगाता है अपने चेहरे पे वो एक सीन है जो 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 आपके लिए एक तरह का एक 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 अभिनेता के तौर पर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल सीन था हमारे लिए हमारे लिए करना और उस उस, उस सीन पर हमने बहुत काम किया था शूट पे जाने से पहले करीब जब मुंबई में हम लोग स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे इम्प्रोवाइज कर रहे थे तो लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे तो जब हम उस सीन पर पहुंचे और जब जिस तरह तो से हमने उस सीन को किया तो वो वो अपने आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि हाँ हम कहीं पहुँच पाए थोड़ा बहुत जहाँ भी पहुंच पाए तो वो इम्पोर्टेंट है बाकी बाकी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं एक अभिनेता के तौर पे और एक व्यक्ति के तौर पे जो एक टीम के साथ एक मिलकर के करते हैं तो बहुत सारे बहुत सारे एंड व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ पुल्लिंग अ रिक्शा इन द बायलेंस ऑफ कलकत्ता हाउ टफ वाज दैट इट वाज टफ इट वाज टफ बट अगेन इट वाज इट वाज सी इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन गो एंड वन डे जस्ट नींद से उठे और आपने रिक्शा पकड़ा आपको जैसे जैसे हम चाली चैपलिन को देखते हैं जब हम उनको करते हुए देखते हैं हमको लगता है ये तो बहुत आसान है ये तो कोई भी ऐसे चल लेता है या कर लेता है बट जब आप उसको सीरियसली करना चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल है वो उसी तरह से रिक्शा चलाना भी उतना ही मुश्किल काम है क्योंकि आपको आप आपको बाहर से देख के लगता है कि खींचना ही तो है रिक्शा जब हम साइकिल रिक्शा भी चलाते हैं तो देखते हैं तो बड़ा आसान लगता है लेकिन जब बैठते हैं तो रिक्शा एक तरफ भागता है हम सब जानते हैं उसी तरह इस, इसके साथ भी बहुत सारी चीजें और जब आप का, जब आप रिक्शा चला रहे होते हैं तो आपको हमको बार बार कहा गया है कि आपको और रिक्शा इंसान और रिक्शा दो एक 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 जान होती है वो दो व्यक्ति नहीं होते हैं अः और ये मैंने महसूस किया है मैं कुछ समय पहले चला गया था कोलकाता और मैंने सिर्फ मैं इसीलिए गया था क्योंकि मुझे अगर रिक्शा चलाना है तो मुझे असल में उसका अनुभव होना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक अभिनेता रिक्शा चला रहा है कम से कम जहाँ तक हो सके हो। जाहिर है अभिनेता ही चला रहा है लेकिन जहां, जहां तक हो सके आप विश्वास दिला पाए लोगों को कि नहीं ये ये मेर, मेरे मेरा ही हिस्सा है तो कुछ दिन कुछ दिन पहले चला गया था मैं कलकत्ता और कलकत्ता की सड़कों पर कुछ एक सवारियां ढोई और रिक्शे चलाए तो उसका अपना एक मजा था वो शहर मुझे पसंद है तो जाहिर है उस सड़, उस सड़क को पैदल नापने का अपना मजा है और सवारी बिठा करके जहाँ सवारी आपको कॉन्फिडेंस के साथ बैठती है और बोलती है कि चलिए वहां चलते हैं और आपको कुछ नहीं पता है और आपको सिर्फ इशारा मिलता है कि अच्छा वहां जाना है तो आप ले करके रिक्शा चल देते हैं और पहुंचाते हैं सवारी तो उसका अपना सुख है जी बचपन कैसा रहा एंड डिड यू नो Uh, 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 वहा मेरी पैदाइश हुई मेरे पिताजी फौज में भर्ती हुए फौज में थे और uh, गरीब परिवार था किसान परिवार था बहुत ज्यादा खेती भी नहीं थी कोई एकाधिक बीघा खेती थे तो ज्यादातर तो मतलब बहुत सारे और काम करने पड़ते थे मेरे ग्रैंडफादर को और दादी को किसानी के अलावा भी सरवाइव करने के लिए तो पिताजी फौज में भर्ती हुए और वो रामलीला किया करते थे तो मेरा जो उनके बारे में जो मैंने उनको रामलीला करते हुए नहीं देखा या देखा होगा तो मुझे याद नहीं मुझे इतना याद है जब फौज में थे तो वो नाटक करते थे तो एक नाटक मुझे याद है पृथ्वीराज चौहान की आंखें जो वो किया करते थे फौज में रहने के बाद वहीं उन्होंने मुझे मंच पे पहली बार उतारा था ऐसे ही एक, क, कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था उसमें हमने ये दोस्ती वाला शोले का गाना गाया था मैं और मेरे दोस्त बहुत छोटा था मैं तब शायद थोड़ा बहुत सुर में रहा हूँ अब तो बेसुरा हो गया हूँ असुर हो गया सीरियसली एक्टिंग <laughs> uh, को लेकर के जो मैंने सोचना शुरू किया वो मैंने मिलिट्री स्कूल में सोचना शुरू किया मिलिट्री स्कूल बेलगाम में uh, Right. मैं बोर्डिंग में पढ़ता था और वहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल था हमारे स्कूल में थे करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत अच्छा माहौल था स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माहौल था और, और पढ़ाई थी। तो थी ही तो देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ को, को करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स और पढ़ाई तो थी ही तो वैसा ही माहौल था हम लोग हम लोग सब ऑलराउंडर्स थे तो थिएटर को लेकर के जो हमारे लकीली हमारे जो प्रोफेसर थे जो टीचर्स थे जो हमको प्लेस करवाते थे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन तो वो असल में प्रोफेशनल्स थे पथाड़े सर थे जनार्दन सर थे अनंता सर थे मिस्टर तपन ये लोग ये लो, मतलब स्पेशली पथाड़े और जनार्दन सर तो प्रोफेशनल्स थे तो उस समय हमारा इन्होंने परिचय कराया था शेक्सपियर से ग्रीक ट्रेजिडी से मराठी क्लासिक से तो वो सारे नाटक कुछ मराठी क्लासिक्स उठा के उनको अनुवाद करके हिंदी में करते थे पथाड़े सर तो वो 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 जुनून अद्भुत था उन लोगों का कि स्कूल के प्रोडक्शन के लिए इंटर हाउस कंपटीशन के लिए कोई टीचर बैठ के नाटक ट्रांसलेट कर रहा है क्योंकि उस नाटक से उसका परिचय है मराठी तो उनका और जनार्दन सर अंग्रेजी उससे थे परिचित थे तो उनका शेक्सपियर पे बहुत उनको महारत थी बहुत पढ़े लिखे थे और तो वो सारे नाटक हमने किए थे तो वहां पे जाकर मुझे जो है ना अभिनय को मुझे लगा कि मुझे अभिनेता बनना है अपने जीवन में आ, लेकिन फौज में भी जाना था तब तो दोनों चीजें मैं सोचा था कर, कर पाऊंगा जीवन में बहुत देर में मुझे समझ में आया कि इसमें से एक ही चीज हो सकती है तो फिर मैंने अभिनय को चुना और एनएसडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा अद्भुत एक्सपीरियंस रहा जैसा कि विद्यार्थियों के साथ अक्सर होता है हम जब ड्रामा स्कूल ज्वाइन किए थे एनएसडी uh, 91 में तो मैंने कुछ थिएटर किया हुआ था भोपाल में उसके पहले भारत भवन और इवनिंग थिएटर जो भोपाल में हो रहा था उस दौरान तो मैं एक कुछ एक अनुभव से गया था ड्रामा स्कूल और जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप सवाल ज्यादा पूछते हैं और पूछना भी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को आप रेबेल होते हैं आपको जो भी पढ़ाया जाता है आपको उसमें उसमें दिक्कतें दिखती हैं आपको लगता है कि नहीं इससे भी अच्छा हो सकता है इससे भी अच्छा आपको मिल सकता है तो सारे जो एक विद्यार्थी जिस दौर से गुजरता है हम भी गुजरे हैं लेकिन ड्रामा स्कूल ने जो आप एक नींव बनाई है वो आप उसको तो मतलब वो अद्भुत है आपके लिए एक एक्टर के तौर किताबें जो थी थीब्रेरी जो थी उसका बहुत फायदा हुआ है सुबह so से शाम तक आप सिर्फ अभिनय पे अभिनय सो रहे हैं अभिनय जाग रहे हैं अभिनय खा रहे हैं सब कुछ वही हो रहा है so सुबह से उठते थे और आपकी थिएटर एक्सरसाइज शुरू होती थी और और, और रात भर वही चल रहा है और आप, सोते समय भी उसी पे डिस्कशन हो रहा है तो वो हमारी पूरी जो तीन साल की जो दुनिया है वो उसका कोई तोड़ नहीं है वो मतलब वो मैं उस समय उस आप हमेशा उस समय आपको जरूर एहसास नहीं होता आपको लगता है ठीक है लेकिन जब पलट के देखते हैं तब आपको लगता है कि आपने कितना कुछ पाया है वहां से। स्मॉल रोल विथ 1996. उसके बाद uh, a, a half अ लॉन्ग गैप ऑफ ऑलमोस्ट again एंड हाफ of अगेन with Uh, rock star as katana take us to this period of struggle do we can we call this a struggle and if it is a struggle how was it no it was not a struggle it was my choice basically i i did a play with uh sham babu uh, wo tha, aur asal mein, uh, uh matlab unkis hat kam karna matlabrientha sapnata they um uh, मतलब मुझे लगा कि उनके साथ जब मैंने वो 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 कारण है जिनकी वजह से मैं बॉम्बे आया था मुंबई आया था वो और पंडित सत्यदेव दुबे ने बुलाया था उनके फिल्म के ऑडिशन के लिए वो दूसरी फिल्म थी लेकिन मुझे लगा मुझे मुझे जब वो डायरेक्ट कर रहे थे तो एक सीन उन्होंने डायरेक्ट किया था सरदारी बेगम में जहाँ पे आ, वो, उन्होंने मैंने एक सीन रिहर्स किया और वो आ, दूसरे तरफ थे और वहां से वॉक करते हुए आ रहे थे मुझे एग्जैक्टली exactly पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं, क्योंकि मैं उनका सिनेमा देख के बड़ा हुआ था और मैं उनको आ, कही बार अब सिनेमा देख के कहा थी जो मैंने सोची थी जो मुझे करनी थी असल में और मैंने जो एक अभिनेता किया, तो किया नहीं था लेकिन मुझे पता था एग्जैक्टली exactly ये कहेंगे तो वो मेरे लिए वो मेरे लिए असल में सबसे अद्भुत अनुभव था उस समय आ, उसके बाद मैं असल में अभी अगर मैं कहूँ तो शायद मैं रोमांटिसाइज करू चीजों को या जब आप अतीत को पलट करके देखते हैं तो आप बहुत सारी चीजें आप सच छोड़ के बहुत कुछ बोलते हैं जो परसेप्शन होता है उस सच का शायद आप वो बोल रहे होते हैं तो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने सिने, मैं असल मैं मेरी जा, में मेरी ज्यादा दिलचस्पी थिएटर में हमेशा से रही है अभी भी है मैं थिएटर कर रहा हूँ उस समय और ज्यादा थी मैं मैंने सिने, सिनेमा को लेकर बहुत आकर्षित नहीं था एक मीडियम के तौर पर मैं थिएटर को लेकर ज्यादा आकर्षित था तो मैं सिनेमा से एक तरह से भाग रहा था मुझे अगर कोई काम आता था तो मैं भागता था मैं छुपता था वो भय भी हो सकता है मेरा वो असफल असफल होने का भय भी हो सकता है या हो सकता है मेरी सचमुच सच दिलचस्पी नहीं रही हो ये अगर ये रहस्य असल में ये मुझे नहीं पता कब ये मैं इसको खोल पाऊंगा तो इस वजह से मैं एक लंबा गैप था तो उस समय मैं थिएटर इंजॉय कर रहा था और सर्वाइवर के लिए मैं टेलीविजन कर रहा था टेलीविजन मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था जिससे मेरी रोजी रोटी चल रही थी घर चल रहा था तो वो रोजी रोटी चला रहा था बेसिकली और उसके साथ में थिएटर कर पा रहा था और कुछ समय बाद जब टेलीविजन से मैं ऊब गया मुझे लगा ये तो, ये तो तो मुझे खत्म कर देगा बिकॉज आप रोज जाते हैं वही स्क्रिप्ट मिलती है और आप परफॉर्म करते हैं और आपको समय भी नहीं मिलता अपने बारे में सोचने के लिए तो मुझे लगा ये थकाने वाली प्रक्रिया हो जाएगी मेरे लिए तब मैंने जब टेलीविजन बंद किया तब मुझे जरूरत महसूस हुई सिनेमा की और लकी था मैं कि उसके बाद मुझे सिनेमा में चूंकि मैं थिएटर कर ही रहा था और लोग मुझे प्रॉब्ली शायद उसकी वजह से उनके दिमाग में मैं हमेशा था तो शायद फिर इम्तियाज साहब का ये काम मिला जो रॉक स्टार है उसके पहले एक, 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 एक फिल्म थी वो भी थी तो ये जो दो फिल्में थी 1971 दुर्भाग्य से चली नहीं बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई अभी तो बहुत, बहुत अच्छा सुपर हिट अभी बहुत सुपर हिट हो गया आप लोग ने YouTube में डाल दिया उनको एंड अभी तो मूवी uh, 1971 वाज़ बिग हिट ऑफ 2020 या आयरनी है सो, सोचिए वो जो फिल्म रिलीज हुई है तो उसको किसी ने नहीं देखा क्योंकि उसको पब्लिसिटी नहीं मिल पाई उसको ढंग से रिलीज नहीं किया गया उसकी नियति थी प्रॉब्लली लेकिन जो प्रोसेस था उस फिल्म को करने का हमारा जो प्रक्रिया थी वो अद्भुत थी वो एज अ टीम पीयूष भाई थे चित्रंजन गिरी मानव कॉल और सबसे बड़ा उनका जो डायरेक्टर साहब थे अमृत सागर थे आ, यंग लोगों की टीम थी और सब जो है ना जूझ के मनोज वाजपेयी जो पूरे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे दीपक डोबरिया मतलब वो और हम सब थिएटर बैकग्राउंड से थे हम एक दूसरे से परिचित थे और हम सब जो है ना पूरी जी जान लगा के उस फिल्म में हमने काम किया था तो वो असल में वो एक थिएटर प्रोजेक्ट की तरह हम काम कर रहे थे उस फिल्म में तो जाहिर है उसका रिजल्ट भी अच्छा होना ही था मतलब चूंकि मेहनत इतनी की गई थी और और नीयत करेक्ट थी उस फिल्म को लेकर के हमारी तो वो थी और उसके बाद असल में जो रिकग्निशन है जो पहचान है वो इम्तियाज साहब की फिल्म से बनी जो रॉक स्टार है उससे लोगों ने एक तरह से पहचाना और तब तक शायद मैं भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया था कि मैं हाँ मैं सिनेमा के लिए तैयार हूँ

हाउ डज एन एक्टर बिकम बिग तो मैं असल में मैं कहीं uh, कुछ समय पहले तक मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं था मैं कहीं भी नहीं था मैं अभी थोड़ा सा जुड़ा हूँ कुछ समय पहले सिर्फ राम सिंह चार्ली के लिए चूंकि ये एक खास फिल्म है uh, तो मुझे मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए इसमें जुड़ना चाहिए लेकिन मुझे असल में समझ में नहीं आता हाँ आप काम करते हैं सलाहे जाने के लिए करते हैं तारीफ के लिए करते हैं लोग तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन उसके पार मुझे समझ में नहीं आता है कि बड़ा हो जाना या बिग हो जाना या एक आपका नाम हो जाना क्या होता है वो मुझे असल में समझ में नहीं आता पर अगर ऐसा कुछ है तो अच्छा लगता है ऑफ कोर्स अच्छा लगता है तो वो एयरलिफ्ट एयरलिफ्ट के बारे में मैं ये कहूंगा कि वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उस चरित्र को करने में मुझे सुख बहुत मिला और अगेन वही डाउट से शुरू हुआ था वो कैरेक्टर का करना क्योंकि मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव कैरेक्टर है तो इसमें तो कुछ करने के लिए है नहीं लेकिन वो डायरेक्टर का कन्विक्शन था और उनका अप्रोच था कि उस चीज को उस कैरेक्टर को कैसे कैसे अप्रोच करने और कैसे आपको लेकर के जा रहे हैं वो असल में चरित्र को बना देता है और उनका विश्वास बना देता है कैरेक्टर को तो वो भी वो वो कैरेक्टर भी एक स्पेशल कैरेक्टर है अगर आप मुझे कहें मेरी यात्रा में तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बिकॉज उसमें ऑब्वियस ड्रामा नहीं है चरित्र में तो जाहिर आपके पास बहुत सारे जो ड्राम, जो एक्टर्स के पास हथियार होते हैं वो हथियार नहीं, नहीं, नहीं थे मेरे मेरे पास पास और थैंकफुली नहीं नहीं थे थे थैंक गॉड वो हथियार नहीं तो हथियार तो वो, 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 वो रोल मतलब था मेरे लिए जो करने में मजा आया यू हैव कोलैबोरेटेड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विद टू एस नीरज पांडे विथ होम हैव वर्कड ऑन रुस्तम

आ, आ, जैसे नीरज जी के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो वो आ, जब आप मतलब वो आप बारीकी को लेकर के इतने डिटेल परफॉर्मेंस की डिटेलिंग को लेकर इतने पर्टिकुलर हैं कि वो आपको छोड़ते नहीं हैं और आ, मुझे लगता है कि किसी भी अभिनेता के लिए आ, वो जो प्रोसेस है उनके उनके उन, उन, उनके साथ काम करना बहुत जरूरी है एक बार तो जरूरी है कम से कम वो जिस तरह से किसी भी चरित्र को लेकर के एक छोटे से सीन को लेकर के भी जिस तरह की डिटेलिंग करते हैं उनकी जो इज्जत है एक्ट्रेस को लेकर के रिस्पेक्ट है तो वो वो अद्भुत है और सेम विद तो अनुभव जी अब असल में जब आप जब डायरेक्टर आपको दोहराता है तो आपको कुछ लगता है कि सही कहीं कुछ जा रहा है शायद इसीलिए दोहरा रहा है दोहराया जा रहा हूँ मैं तो मुझे मतलब और मैं भी उस प्रोसेस को उतना ही इंजॉय करता हूँ अनुभव जी के साथ तो एक जिसको कहते हैं कि जिस तरह की फिल्में बनाते हैं वो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो फिल्म अच्छी है फिल्म बुरी है लेकिन जिस तरह की फिल्में वो बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अभिनेता का सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उसका उसका जिसको कहते हैं उसको लेकर के अलर्ट होना सामाजिक रूप से राजनैतिक तो रूप से वो बहुत जरूरी होता है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अभिनेता एक कूपमंडूप में वैक्यूम में एक अपने अंदर नहीं जी सकता है तो वो सारी चीजें भी हैं जब आप काम करते हैं तो वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं कई बार पर वो पेरीफेरी में रहती हैं उसके आसपास पर मेन चीज होती है जो प्रोसेस होती है जिसके तहत आप काम और इन्होंने इन्होंने अनुभव जी ने मुझे इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिए हैं करने के लिए और हर बार अलग कैरेक्टर दिया है करने के लिए तो वो अपने आप में चैलेंज है और हर बार एक मुझ्खिल, से मुश्किल कैरेक्टर ही दिया है कोई ऐसा नहीं है कि आप गए और आप नींद में करके आ गए पर हालांकि नींद में आप कोई भी कैरेक्टर करके नहीं आ सकते हैं ये तो <laughs> जी हाउ uh, तापसी इन थप्पड़ एंड आयुष्मान इन आर्टिकल 15 व्हाट आर डूइंग राइट आ, मुल्क में मैं तापसी के साथ काम नहीं कर था चूंकि मेरी 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 जो एंट्री फिल्म में फिल्म बनने के बाद हुई थी वो फिल्म बन के तैयार हो चुकी थी आ, 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 और मुझे बिल्कुल अंत में मुझे जोड़ा गया तो जाहिर है जो मैंने परफॉर्म किया तो ये लोग नहीं थे हालांकि वो सब जब मैं शूट कर रहा था वो वो तापसी भी तैयार थी कि वो आकर के मुझे मतलब वो, वो क्यूज देंगी या जो भी मेरे मेरे साथ अभिनय करेंगे लेकिन मैंने मैंने मनाया कि मैंने कहा वो उनकी यात्रा खत्म हो चुकी है और मैं उस, उसमें नहीं जाना चाहता तो वो वो एक अभिने अभिनेता की, की महानता है कि वो फिल्म शूट किए हुए उसको इतने महीने हो गए और दोबारा वो एक नए अभिनय नए कैरेक्टर जो उसमें एंटर कर रहा है उसके लिए उस तरह का कमिटमेंट वो अद्भुत चीज़ है जहाँ जहां तक थप्पड़ का सवाल है वो देखिए किसी भी अभिनेता करी चाहे वो आयुष्मान हो चाहे तापसी हो सबसे चीज सबसे अच्छी चीज है कि ये लोग अपने काम को लेकर के संतुष्ट नहीं है और ये अपने सफलता को लेकर संतुष्ट नहीं है और ये पर्सनालिटीज प्ले नहीं कर रहे हैं कि जो मैं हूँ वही मैं स्क्रीन पे आऊंगा ये आजकल और ये इन्हीं की बात नहीं है असल में बहुत सारे नए अभिनेता हैं नए स्टार्स हैं जो आ रहे हैं जो चरित्र प्ले कर रहे हैं और उसका चैलेंज ले रहे हैं मतलब आयुष्मान को अनुभव के साथ ही देख लीजिए अनुभव जी के साथ देख लीजिए तापसी को अनुभव जी के साथ दो फिल्मों में देख लीजिए आयुष्मान को बाकी फिल्मों में देख लीजिए जिस तरह से वो हर फिल्म में एक नया चरित्र एक नई चीज लेकर के आते हैं हर हर कैरेक्टर में नई चीज लेके आते हैं और वो अपने आप को एक्सपोज करने से डरते नहीं है अपनी पर्सनैलिटी को अपने अपने को अपनी वलनरेबिलिटी लोगों के सामने लाने में घबराते नहीं है ये दोनों अभिनेता इस वजह से खास हो जाते हैं ये बहुत है कि हम हम इस बात से ना डरें कि लोग अगर मुझे देख लेंगे मेरा मुझे मोटा देख लेंगे मुझे दुबला देख लेंगे मुझे काला देख लेंगे मुझे गंजा देख लेंगे तो शायद वो मुझे उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे जिस तरह से मैं हूँ भय जा चुका है अब लोगों को लोगों लोगों को उसमें सुख मिलने लगा है एक नई पर्सनैलिटी को लेकर के उसके साथ खेलने में चरित्र के साथ खेलने में तो ये दोनों अभिनेताओं की वो अद्भुत खासियत है और दूसरी चीज ये है कि ये ये असल में अपने जो अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ एक जबरदस्त इंटरेक्शन होता है एक जबरदस्त संवाद होता है और वो संवाद बहुत जरूरी है खैर वो डायरेक्टर की बहुत होती है अनुभव सिन्हा की जब वो काम कर रहे होते हैं तो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि पे छोटे से छोटा किरदार जो आदमी एक ही बराबरी पर आ जाते हैं तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायनेता व बिगेस्ट हाई इन योर प्रोफेशनल करियर अकॉर्डिंग टू यू बिगेस्ट हाई मतलब प्रोफेशनल करियर आई 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 इसलिए मैं जो अचीव करना चाहता हूं उसके मैं कहीं करीब तक नहीं पहुंच पाया हूं लोगों को वो भूमिका पसंद आ रही है वो नाटक पसंद आ रहा है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं है भाई कितने साल लगेंगे उस भूमिका को के, के, मतलब में ख्याल 30 तीस परसेंट चालीस परसेंट साठ परसेंट पहुंचने में बहुत मुश्किल भूमिका है तो वो एक मेरे लिए वो है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि जो भी जितना भी कर पा रहा हूं वो भूमिका एक बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और अभिषेक के साथ काम करना एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है और मानव कॉल के साथ मैंने कुछ नाटक किए हैं जिनमें इल्हाम नाटक है शक्कर है पीला है तो वो एक, एक पूरी लंबी फहरिस्त है या सुनील के साथ सुनील शान के साथ कॉटन जो मैंने किया था नाटक और गरम कमरा ये सब ब्रेक थ्रू नाटक हैं जो एक अभिनेता की यात्रा को एक नया रंग देते हैं पंडित सत्यदेव दुबे के साथ मैंने जो नाटक किया था वो एक मुझे एक एक जिसको कहते हैं उसने मेरे पर्सनालिटी का एक नया आयाम खोला तो असल में रंगमंच आपको बहुत सारी संभावनाएं देता रहता है और बहुत सारे चैलेंजेस देता रहता है और आपको एक्सपोज करता रहता है हर हर कुछ समय बाद कि आप फंस चुके हैं कहीं तो ये सारे जो निर्देशक हैं और इनकी जो कृतियां हैं इनके जो लेखन इनका जो लेखन है और जो निर्देशन है वो मुझे तो अभी जो क्योंकि रिसेंटली मैंने अभिषेक के साथ काम किया है तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है मेरी लाइफ में फिलहाल एनी रिग्रेट्स इन लाइफ नो रिग्रेट्स नो नो मुझे लगता है क्योंकि क्योंकि जीवन जो आपने अभी तक जिया है अगर थोड़ा भी uh, uh, मतलब uh, अगर अगर ये ना होता तो क्या होता तो ये जीवन ही ना होता फिर दूसरा ही जीवन होता फिर उसके रिग्रेट्स हम खोजते रहते तो जो कुछ मैं मैं जितना भी अच्छा और जितना भी बुरा वो सब उन गलतियों की वजह से भी हूँ जो मैंने की है, अगर कुछ सही की है उसके साथ नए मूवीज वेब सीरीज बुक्स जो आप शेयर करना चाहोगे लोगों के साथ जो अच्छा लगा देखिए मैं <laughs> मैं शेयर तो बहुत कुछ कर सकता हूं लेकिन मेरी याददाश्त बहुत खराब है मेरी प्रावल्म, मेरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है कि मैं 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 पढ़ता हूं और सिर्फ उसका भाव याद रह जाता है मैं किताब का नाम तक भूल जाता हूं और वो लोग जब मुझे बताते हैं मैं फिल्म देखता हूं और दो दिन बाद में वो फिल्म भूल चुका होता हूँ उसका भाव याद रह जाता है तो ये कैसे याद रखते बस वही चीज है जो पर, वो भी रोज जब तक मैं कर रहा हूं तब तक याद रहता है उसके बाद वो भी मेरे सिस्टम से निकल जाता है उसका भाव याद रहता है तो अभी क्यों होता है मुझे पता नहीं लाइन्स याद रह जाती है अभी तक यही गनीमत है लेकिन बाकी चीजें तो हाथ से छूटती जा रही मतलब याद आ लेकिन हाँ मतलब मुझे काफी काफी, काफी इंटरेस्टिंग काम देखा इस बीच में काफी सिनेमा देखा कुछ पढ़ा भी लेकिन अगर आप मुझे मुझसे कहेंगे कि मैं आपको लिस्ट दे दूं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कल ही एक फिल्म में देख रहा था और आ, 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 बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है चूंकि कल ही देखी है कल रात को ही देखी है देर रात देखी है तो मैं बता रहा सी यू सून करके एक फिल्म आई है मलयालम फिल्म है okay. सी यू सून yes, 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 yes. फहाद फाजिल की फिल्म है और वो right, बहुत ही right. कमाल के अभिनेता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं उस सिनेमा में

अभी तो सब लोग एक दुविधा में है कि कब शुरू करेंगे लेकिन Correct. जब भी शुरू करेंगे तो अभिषेक के साथ एक नाटक है जो हम लोग दोबारा शुरू करने मतलब इस साल शुरू करने वाले थे लेकिन अब वो अगले साल पे चला गया है तो वो करेंगे Do you discuss work with your wife considering she is an acclaimed actor herself? आप लोग डिस्कस करते हो काम डिस्कस करते हो घर पे जी बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस करते हैं बिल्कुल चर्चा करते हैं और Uh, मतलब uh, 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 काफी क्रिटिकल भी है एक दूसरे के काम को लेकर के uh, कई बार हम जब किसी काम पे चर्चा नहीं करते हैं अगर मान लीजिए मेरी पत्नी मेरा कोई काम आया और उस पर चर्चा नहीं कर रही है अगर घर पे चर्चा नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि वो उन्होंने अपनी राय दे दी है कि बहुत ही खराब काम किया है मैंने बहुत ही खराब उसपे चर्चा मतलब और जाहिर इसी प्रोफेशन में है दोनों इसी प्रोफेशन में है तो उससे बचना भी नहीं चाहेंगे बचेंगे भी नहीं उस पर चर्चा होगी उस पर डिस्कशन होगा, आ, सिनेमा पे डिस्कशन होता है थिएटर पे डिस्कशन होता है, चर्चा होती है आ, किस तरह का काम आ, हम जो कर रहे हैं उसमें हम इंडल्ज ना हो बहुत ज्यादा तो उस पर एक दूसरे को ज़ाहिर है आ, एक दूसरे से बात होती रहती है तो हमको समझ में आता रहता है कि कब हम अपने अपने काम को छोड़ करके हम अपने जो जो उसकी जो प्रशंसा मिल रही है ख्याति मिल रही है ख्याति इंपॉर्टेंट हो गई है वो काम पीछे छूट गया है ये सारी चीजें जो है चेक पर रखने के लिए चेक में रखने के लिए इनको ये चर्चाएं जरूरी होती हैं वो हम करते रहते हैं ये 25 साल में कभी शाहरुख खान बनने की मन नहीं किया <laughs> शाहरुख खान तो सिर्फ शाहरुख खान हो सकते हैं तो वो तो खैर वो वो जो अपेक्षा है या शाहरुख खान बनना हो या अमिताभ बच्चन बनना हो या सलमान खान बनना हो ये जो उम्मीद है अगर आप अभिनेता है तो ये उम्मीद ही आप नहीं करेंगे कभी क्योंकि वो तो वही है मतलब वो तो नहीं बन सकते आप अगर आप अगर आप आप ये कहें कि आप उस तरह की सफलता पाना चाहते थे कि नहीं पाना चाहते थे वो मेरी कभी महत्वाकांक्षा नहीं रही है सलमान खान शाहरुख खान अमिताभ बच्चन नहीं मेरी महत्वाकांक्षा मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं रहा हूँ मैं जैसा कि कह रहा हूँ मुंबई में ही मैं मैंने अपने जीवन के पहले दस साल या बारह साल या तेरह साल मैंने सिर्फ थिएटर को दिए हैं और टेलीविजन को दिए हैं और सब मुझसे मेरे कई सारे मित्र हमेशा कहते रहे कि आप मुंबई आप क्यों हो मुंबई में क्यों हो आप दिल्ली चले जाओ या भोपाल चले जाओ वहां जाके थिएटर को अगर थिएटर ही करना है तो मेरे सिर्फ यही मैं इसी वजह से था क्योंकि ये शहर मुझे पैसा भी देता है और थिएटर करने की आज़ादी भी देता है कि मैं अपने तरह का रंगमंच कर पाऊँ बाकी शहरों में मुझे पैसा भी उतना नहीं मिलेगा और मुझे थिएटर में सर्वाइव करने के लिए वर्कशॉप करनी पड़ेंगी मुझे डायरेक्ट करना हाँ गुस्सा मुझे आ, ये तो, आ, मेरी पत्नी से पूछा जाए तो वो ज्यादा उचित सवाल दे पाएंगे हर आदमी जिसको गुस्सा आता है वो बोलता है मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ मुझे गुस्सा आता है ये 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 तो इतना इतना बड़ा सवाल है कि इस, इस पे तो बहुत सारे पूरे जीवन में हर हर छोटी चो, छोटी सी चीज़ों पे भी नाराज़ होते रहते हैं खुश होते हैं। पर गुस्सा गुण, मुझे आसानी से आता नहीं आ, पर आता है तो मैं चुप हो जाता हूँ मैं चुप रहना पसंद करता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है और रिलैक्स करने का जहाँ तक सवाल है रिलैक्स करने के लिए आ, मैं आ, पढ़ना पसंद करता हूँ एकांत पसंद करता हूँ इसीलिए ये जो लॉकडाउन हुआ तो मुझे असल में बहुत समस्या नहीं हुई क्योंकि मैं जब बैचलर था तब भी मुझे अपने साथ समय गुजारना बहुत पसंद था तो वो मैंने बहुत लंबा लंबा समय अपने साथ गुजारा है तो अभी भी मुझे इससे समस्या नहीं है कि मैं तो मुझे एकांत पसंद है मुझे अकेलापन पसंद है तो मैं अकेले रहता हूं चिंतन करता हूं चिंतन करना भी ढोंग है इस तरह से चिंतन क्या मतलब मैं, तो मैं क्या चिंतन करूंगा लेकिन हाँ, अकेले रहता हूं कभी कुछ पढ़ लेता हूं कुछ टेलीविजन में देख लेता हूं संगीत सुन लेता हूं एवर हैड एनी हॉलीवुड ड्रीम्स हम में नहीं नहीं अगर वो मिलेगा तो ऑफकोर्स आप करना चाहेंगे कविनीता के तौर पे उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे पर नहीं मेरे ख्याल से मैंने बहुत सपने देखे नहीं घबराहट की वजह से शायद नहीं देखे होंगे लेकिन मैं नहीं मुझे मुझे नाटकों में मेरी ज्यादा अभी दिलचस्पी हुई तो मुझे अगर कोई नाटक के लिए कहे तो जी हाँ मुझे मुझे बहुत उसमें करना है लेकिन कैसे होगा उसकी चिंता बनी रहती है इतना कुछ करना बाकी है हॉलीवुड ड्रीम नहीं है मेरा लेकिन अगर मिलता है तो ऑफकोर्स एक अभिनेता के तौर पर मैं करना चाहूंगा If you were not an actor, you would be in army. Thank you, Prabhupada Mishra, for talking to me. Stay safe. Celebrate the success of Ram Singh Charlie and see you on the other side of the break. Thank you so okay. much. Thank you.